हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। टुडे वी विल लर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल मस्ट। आज मस्ट का यूज़ करना हम सीखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में शुड का यूज़ करना सीखा था। शुड का यूज़ करना, शुड के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था चाहिए। मस्ट का मीन्स भी चाहिए होता है। दोनों का मीनिंग अगर आप हिंदी में देखेंगे, बोथ आर द सेम। बट शुड में एक कंडीशन ये रहती है कि शुड में अगर आपने किसी को एडवाइस दी है तो उसकी मर्जी है, वो बात माने या ना माने। लेकिन जहाँ मस्ट लगता है वहाँ कंपल्शन होता है। मस्ट कंपल्शन को शो करेगा, मस्ट शो करेगा प्रोहिबिशन को, मस्ट शो करेगा श्योरिटी आपको किसी बात को लेकर। तो मस्ट का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत वाइड यूज है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो मस्ट के लिए कंडीशंस हम देखते हैं, मस्ट का करेक्ट यूज करना हम सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए जो मस्ट के यूज को लेकर है। मुझे अब जाना पड़ेगा, कंपल्शन है, कोई बहुत जरूरी काम है। व्हेन यू थिंक दैट इट इज वेरी मच नेसेसरी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, वी यूज मस्ट। जब लगे आपको कोई काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, वो आपका मन है उसे करने का या नहीं है, लेकिन वो काम अगर आपको करना ही पड़ेगा, ऑलवेज यूज मस्ट। मॉडल मस्ट का यूज कीजिए उसके जगह। जो फर्स्ट सेंटेंस लगा है, लिखा है मैंने मुझे अब जाना पड़ेगा, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर देखिए। सपोज कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में खड़े हैं और आप आपस में बातें कर रहे हैं। आपको अर्जेंट कॉल आती है घर से कि आप घर वापस आ जाओ। आप दोस्तों को बोलते हैं कि मुझे अब जाना पड़ेगा, मीन्स जाना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस कंडीशन में आप मस्ट का यूज़ कीजिए, आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना पड़ेगा। आप मस्ट की जगह पर एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, वो है हैज हैव। आई के साथ हैव लगता है, हम यहाँ हैव लगाएंगे। हैव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए मोडाल के बाद हमेशा डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज हैव के बाद टू लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। आई हैव टू गो नाउ बोल दो या आई मस्ट गो नाउ, दोनों के दोनों 100% करेक्ट सेंटेंस है। हैव टू का मीन्स भी सेम होता है मस्ट, और मस्ट का यूज भी मस्ट। जब आपको लगता है कोई काम करना बहुत जरूरी है, तब हम हमेशा मॉडल मस्ट का यूज करते हैं। सेकेंड देखिए आप, तुम्हें रेड लाइट्स जंप नहीं करनी चाहिए। देखिए ये प्रोहिबिशन को शो करता है, ये शो करता है व्हेन यू थिंक दैट इट इज नेसेसरी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। जब आपको लगता है ये काम करना नहीं चाहिए, अब नहीं करना चाहिए, मीन्स मस्ट नॉट हम तब लगाते हैं जब कोई रूल ब्रेक करते हैं हम। अगर हम उस काम को नहीं करेंगे और नहीं करना, उस काम को हमने कर दिया, सपोज कि रेड लाइट जंप नहीं करनी है और हमने रेड लाइट को जंप कर दिया, तब क्या होगा? हमारा चालान कटेगा या फिर उस कंडीशन में हमारा एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। अगर मैं कहता हूँ यू मस्ट डिपॉजिट योर फीस ऑन टाइम, तुम्हें अपनी फीस समय पर डिपॉजिट करानी चाहिए। या मस्ट इसलिए आ रहा है, अगर हम टाइम से फीस जमा नहीं करवाएंगे, लेट पेमेंट चार्ज हमें पे करने पड़ते हैं उसके लिए। तो दैट्स वाई वी यूज मस्ट। अब इसमें भी कंडीशन देखिए, तुम्हें रेड लाइट जंप करनी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ शुड नहीं लगा सकते कि यू शुड नॉट जंप द रेड लाइट, क्योंकि वो एक रूल है, कानून है। वहाँ पर आप हमेशा मस्ट लगाइए जहाँ पर रूल बना हुआ है। यू मस्ट नॉट जंप द रेड लाइट्स। मस्ट के साथ नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, जंप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। फिर कोई बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, किसी को आप पर्सनली जानते हो एंड यू नो वेरी वेल एंड यू आर टॉकिंग विथ समबडी अबाउट दैट पर्सन। आप कहते हो ये जरूर 20 साल का होगा, बिकॉज यू नो दैट पर्सन पर्सनली, आप एश्योर हैं पूरे। उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं ही मस्ट बी 20 या यू कैन से ही मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड। मस्ट के साथ भी मैंने आपको बताया था, मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं तब आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। मस्ट मस्ट के बाद बी, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर लेते हैं दोस्तों, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। श्योरिटी की बात अगर हम और करें, इफ़ आई से मेरे फादर जरूर घर पर होंगे, आई एम श्योर फॉर दैट, देन आई कैन से माई फादर मस्ट बी एट होम। तो दोस्तों मस्ट का यूज बहुत ज़्यादा सिंपल था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मस्ट का यूज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और फ्यूचर में जब भी आप मस्ट का यूज करेंगे, यू विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एरर टू यूज मस्ट। तो मॉडल मस्ट का यूज बहुत सिंपल है, सही तरीके से कीजिए। सब्जेक्ट के बाद मॉडल दीजिए, चाहे मॉडल कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, सब्जेक्ट के बाद मॉडल लगाइए अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है। जो तीनों सेंटेंस लिखे हमने, तीनों के तीनों एक्टिव वॉइस के अंदर थे। तीनों के अंदर हमने पहले सब्जेक्ट दिया, फिर हमने मॉडल मस्ट लगाया। मस्ट मॉडल है, मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना जरूरी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर डालिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ग्रामर के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको श्योरली वही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।